Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss chapter number 13, electrostatic review questions. Now question 13.1, Haji, how can you show by simple experiment that there are two types of electric charge? हमने experiment से ये prove करना है कि जो दो types के charges ही possible है या present है. देखा plastic rod, हमने plastic rod को लेना है. फिर हमने क्या करना है, rub it with fur and suspend horizontally by a silk thread. हमने उसको क्या करना है, फर के साथ रब करना है और हमने फिर उसको सिल्क के थ्रेड से हमने हॉरिजॉन्टली सस्पेंड कर देना है. नाउ टेक अनदर प्लास्टिक रॉड, हमने दूसरे प्लास्टिक रॉड लेनी है और उसको रब करना है विद फर एंड ब्रिंग नियर द सस्पेंडेड रॉड. और फिर हमने जो उस रॉड के साथ हमने जो पहले जो हमने रब की थी प्लास्टिक रॉड उसके करीब ले आना है. वी विल ऑब्जर्व दैट बोथ द रॉड विल रिपेल ईच अदर. तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे जो दोनों रॉड हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. इट मींस दैट ड्यूरिंग द रबिंग बोथ द रॉड्स वर चार्ज एंड बोथ पोजेसेस सेम चार्जेस. तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये जो है दोनों रॉड्स जब हमने इनको रब किए हैं तो इन्होंने सेम चार्जेस को पोजेस किए हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है. नाउ टेक अ ग्लास रॉड एंड रब इट with slide and suspend horizontally. फिर हमने क्या करना है, ग्लास रॉड को लेना है और हमने फिर इसको जो है वो रब करना है और फिर हमने उसको हॉरिजॉन्टली सस्पेंड कर देना है. When we bring plastic rod rubbed with fur near to the suspended glass rod, और फिर जब हम जो पहले हमने रब किया प्लास्टिक रॉड उसको ग्लास रॉड के करीब लाएंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बोथ द रॉड विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो दोनों रॉड एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगी और इससे हमें क्या पता चलेगा कि दोनों रॉड्स के ऊपर अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट हैं. कंक्लूजन, चार्ज इज अ डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू व्हिच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट. चार्ज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जिसकी वजह से वो किसी दूसरे बॉडी को रिपेल या अट्रैक्ट करती है. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट मटेरियल. और जब हम रबिंग का प्रोसेस करते हैं यानी कि फ्रिक्शन की मदद से हम बॉडीज को चार्ज करते हैं तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज आ जाते हैं किसी भी बॉडी पे. और जो उसमें लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करेंगे. Now question 13.2 है जी, describe the method of charging bodies by electrostatic induction. Method of charging bodies by electrostatic induction. If we bring charged plastic rod near suspended neutral aluminium rod, both rods attract each other. This attraction between the charged and uncharged rod shows as if both rods have unlike charges, but this is not true. Charged plastic rod produces displacement of positive and negative charges on the neutral aluminium rod, which is the cause of attraction between them. But total charge on aluminium rod is still zero. It implies that attraction is not the sure test of charge on a body. हमने क्या करना है, प्लास्टिक रॉड को एल्यूमिनियम रॉड के करीब ले आना है जो कि न्यूट्रल है. ये दोनों रॉड जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और ये अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज एंड अनचार्ज रॉड शो करेगी कि दोनों रॉड्स के ऊपर अपोजिट चार्जेस हैं. लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं भी हो सकती. चार्ज प्लास्टिक रॉड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड विच इज द कॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. अब जो चार्ज प्लास्टिक रॉड है उसने क्या किया, जो एल्यूमिनियम रॉड के ऊपर जो कि न्यूट्रल है उसने डिस्प्लेसमेंट क्रिएट की है ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जिसकी वजह से वो जो दोनों हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. और जो टोटल चार्ज एल्यूमिनियम रॉड के ऊपर वो क्या है, जीरो है, यानी कि एल्यूमिनियम रॉड अभी स्टिल न्यूट्रल है. It implies that attraction is not sure test of charge on a body. अब इस experiment से ये पता चलता है कि attraction ही नहीं है sure test के हम उससे पता लगा सकें कि किसी body के ऊपर charge है.
Now bring two metal spheres A and B and fix them on insulator stand such that they touch each other. हमने दो स्फीयर्स ले आने और उनको इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर फिक्स कर देना है. हमने इस तरह फिक्स करना है कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे को टच करें. फिर हमने क्या करना है, नाउ ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर स्फीयर ए. फिर हमने पॉजिटिवली चार्ज रॉड को स्फीयर ए के करीब ले आना है. रॉड विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज टुवर्ड इट एंड रिपेल पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट. और जो हमारे पास रॉड है वो क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी. नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ ए स्फीयर. और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होंगे वो लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे स्फीयर के और जो पॉजिटिव है वो राइट सरफेस ऑफ स्फीयर बी में अपीयर हो जाए. फिर हमने क्या करना है, नाउ सेपरेट द स्फीयर्स व्हाइल रॉड इज स्टिल नियर स्फीयर ए. फिर हमने उनको जो है वो सेपरेट करना है लेकिन रॉड को हमने स्फीयर ए के करीब ही रखना है. नाउ इफ यू टेस्ट टू स्फीयर्स, जब हम उन दो स्फीयर्स को टेस्ट करेंगे हम क्या फाइंड करेंगे कि टू स्फीयर्स आर अपोजिटली चार्ज, के दो स्फीयर जो है वो अपोजिटली चार्ज हो गए हैं. और जब हम रॉड को रिमूव करेंगे द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेसिस ऑफ द स्फीयर्स. तो चार्जेस क्या होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके होंगे ऑन द सर्फेस ऑफ स्फीयर. In this process, an equal and opposite charges appear on each metal sphere. और इसमें क्या होगा कि equal and opposite charges appear होंगे दोनों metal spheres के ऊपर. This is called the charging by induction. और इस method से को हम क्या कहते हैं, charging by induction. Now question number 13.3. How does electrostatic induction differ from charging by friction? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से अगर हम किसी को चार्ज करें तो वो फ्रिक्शन की चार्जिंग से कैसे मुख्तलिफ है. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है जी, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वी चार्ज अ कंडक्टर विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द चार्जिंग बॉडी. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर क्या होता है कि हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं विदाउट मेकिंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट किसी भी चार्ज बॉडी से. बगैर कांटेक्ट बनाए हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं. और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वेयर अब न्यूट्रल बॉडी विद अनदर न्यूट्रल बॉडी. हम दोनों बॉडीज के दरमियान कांटेक्ट बनाते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और हमारे पास बॉडीज चार्ज हो जाती हैं. क्वेश्चन 13.4 है जी, व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, डिस्कस इट्स वर्किंग प्रिंसिपल विद अ लेबल्ड डायग्राम. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस. ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रॉड विद अ ब्रास डिस्क एट द टॉप एंड टू थिन लीव्स ऑफ गोल्ड फॉइल हैंगिंग एट द बॉटम. द रॉड पासिस थ्रू एन इंसुलेटर दैट कीप्स द रॉड इन प्लेस. ये ब्रास रॉड पर बना होता है, मतलब ब्रास रॉड कंसिस्ट करता है, ब्रास डिस्क होती है जो कि टॉप के ऊपर होती है, गोल्ड फॉइल के लीव्स होते हैं, ठीक है. और द रॉड पासिस थ्रू एन इंसुलेटर दैट कीप्स द रॉड इन प्लेस. और हमने रॉड को इंसुलेटर के गुजारा होता है जो कि रॉड को एक ही प्लेस में रखते हैं. द होल असेंबली इज फिटेड इन अ ग्लास जार. और उस पूरी असेंबली को हम जो है वो ग्लास जार के अंदर प्लेस कर देते हैं. चार्जेस कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन डिस्क टू लीव थ्रू द रॉड. और चार्जेस जो है वो डिस्क से लीव की तरफ मूव करते हैं थ्रू द रॉड. अ थिन एल्यूमिनियम फॉइल इज ग्राउंडेड बाय अ कॉपर वायर. और एल्यूमिनियम फॉइल को हम ग्राउंड कर देते हैं बाय द यूज ऑफ कॉपर वायर. दिस प्रोटेक्ट द लीव फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस. इससे क्या होता है, जो हमारे लीव हैं वो दूसरी जो बाहर से इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है उनसे सेव रहते हैं. अब डायग्राम दिखाई गई है यहाँ पे, ये क्या है, ये है ब्रास डिस्क और ये यहाँ से आ रही है ब्रास रॉड. और अब हमने उसको क्या किया है कि दो इंसुलेटर के दरमियान प्लेस कर दिया ताकि वो रॉड को एक प्लेस के ऊपर रख सके. अब यहाँ पे ये क्या है, ग्लास जार है जिसके ऊपर जो हमारा सेटअप है वो इनक्लोज है. ये गोल्ड लीव्स है और ये है मेटल फॉइल. क्वेश्चन नंबर 13.5 है जी, सपोज यू हैव अ ग्लास रॉड व्हिच बिकम पॉजिटिवली चार्ज व्हेन यू रब इट विद गोल्ड, डिस्क्राइब हाउ वुड यू चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप. हमारे पास ग्लास रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया जब हमने उसको वुन के अगेंस्ट रब किया है.
अब हमने बताना है जी, डिस्क्राइब हाउ वुड यू चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप, हम उससे इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे चार्ज करेंगे, नेगेटिवली और पॉजिटिवली। चार्जिंग इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली, ब्रिंग द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड नियर द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप व्हाइल नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट टू द लेब। हमने क्या करना है, जो हमारे पास ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, जब हम उसको रोल के अगेंस्ट रब किए हैं, हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के करीब लाना है, तो हमारे पास क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो डिस्क के ऊपर अपीयर हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज है वो लीड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप को कनेक्ट करना है टू द अर्थेड एल्यूमिनियम फाइल बाय कंडक्टिंग वायर। फिर हमने क्या करना है, चार्ज ऑफ डिस्क विल फ्लो टू द अर्थ थ्रू द वायर। तो जब हम उसको डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप को अर्थित एल्यूमिनियम फॉइल के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो डिस्क के ऊपर चार्ज होंगे वो अर्थ में ट्रेवल कर जाएंगे। नाउ इफ इफ फर्स्ट वीक द अर्थ कनेक्शन देन रिमूव द ग्लास रॉड। फिर हमने क्या करना है कि हमने जो है वो अर्थ कनेक्शन को वीक करना है और हमने ग्लास रॉड को रिमूव कर देना है। उससे क्या होगा, द इलेक्ट्रोस्कोप विल लेफ्ट विद नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेंगे। चार्जिंग इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली, टच द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप विद अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, द चार्ज ऑफ ग्लास रॉड विल बी न्यूट्रलाइज्ड एज सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डिस्क विल बी शिफ्टेड टू द ग्लास रॉड, लीविंग द इलेक्ट्रोस्कोप विद द एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नाउ रिमूव द ग्लास रॉड फ्रॉम द डिस्क, इलेक्ट्रोस्कोप विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। हमने क्या करना है, जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है उसको हमने लाना है इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क के करीब और उसको टच करना है। फिर हमने क्या करना है, द चार्ज ऑफ ग्लास रॉड विल बी न्यूट्रलाइज एज सम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डिस्क विल बी शिफ्टेड टू ग्लास रॉड, लीविंग द इलेक्ट्रोस्कोप विद एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम ये प्रोसेस करेंगे कि ग्लास रॉड को इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क के साथ टच करेंगे तो हमारे पास ग्लास रॉड के जो चार्जेस हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्यों न्यूट्रलाइज होंगे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्क से निकल के ग्लास रॉड के ऊपर आएंगे और हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, ग्लास रॉड को रिमूव करना है डिस्क से और हमारे पास पीछे जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 13.6 है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप हाउ कैन यू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन आवर बॉडी। इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम किसी भी बॉडी के ऊपर प्रेजेंस ऑफ चार्ज को कैसे बता सकते हैं, presence of charge on a body. In order to detect the presence of charge on a body, break the body near the disk of an uncharged electroscope. जब हमने किसी body के ऊपर charge की detection को देखना है तो हमने क्या करना है, body को uncharged electroscope के करीब लाना है। अगर तो body neutral होगी तो deflection of leaves नहीं होगी, but if body is positively charged or negatively charged the leaves of electroscope will divert. Or lekin agar body ke upar charges honge positively ya negative to leaves of electroscope kya karenge, diverge ho jayenge. Or agar body negatively charged hai then due to electrostatic induction positive charge will appear on the disk while negative charge will appear on leaves. Or agar body jo hai wo negatively charged hai to पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्क के ऊपर अपीयर होंगे और नेगेटिव चार्ज जो है वो लीव के ऊपर अपीयर होंगे। द लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप रिपेल ईच अदर एंड डाइवर्जेंस इंक्रीजेस बिकॉज ईच लीव गेट सिमिलर चार्जेस। और जो इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डाइवर्जेंस जो है वो इंक्रीज होगी। ये रिपेल क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों लीव्स के ऊपर सेम चार्जेस हैं। The divergence of leaves depends on the amount of charge on a body. और divergence leaf की जो है वो amount of charge on a body के ऊपर depend करेगी। Now question 13.7 है जी, describe how would you determine the nature of charge on a body by using electroscope. अब हम किसी body के ऊपर जो charges हैं उनकी nature देखना चाहेंगे, वो positive हैं या negative हैं by the use of electroscope, वो कैसे करेंगे। For the detection of type of charge on a body, electroscope is first charged either positively or negatively. सबसे पहले हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोस्कोप को या तो पॉजिटिव चार्ज देना है या नेगेटिव चार्ज देना है। सपोज द इलेक्ट्रोस्कोप इज नेगेटिवली चार्ज, और हम ये सपोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप को हमने नेगेटिवली चार्ज दे दिया है। फिर हमने क्या करना है, जो हमारे पास चार्ज बदी उसको इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के करीब लाना है
अगर तो डाइवर्जेंस ऑफ लीड जो है वो कम हो गई तो द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज हो गई तो हमारे पास क्योंकि बॉडी जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप के अपोजिटली चार्ज होगी, यानी कि अगर हमारा इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तो बॉडी क्या होगी पॉजिटिवली चार्ज होगी, और अगर डाइवर्जेंस इंक्रीज कर दिए तो जो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर चार्ज होगा वही हमारे पास सिमिलर चार्ज होगा बॉडी के ऊपर, यानी कि अगर इलेक्ट्रोस्कोप हमारा नेगेटिव चार्ज है तो बॉडी भी हमारी नेगेटिवली चार्ज होगी। नाउ क्वेश्चन 13.8, एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड आल्सो राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्जन है किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है। F is directly proportional to Q1, Q2 ये equation 1 आ गई, F is inversely proportional to R square ये आ गई equation 2। जब हम 1 और 2 को combine करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F is equal to KQ1 Q2 over R square। F is force between two charges Q1 and Q2 known as Coulomb force, और ये जो F है ये हमारे पास क्या है Coulomb force है between two charges Q1 and Q2, और R क्या है distance between two charges, और K क्या है constant of proportionality। The value of K depends upon medium between two charges. Coulomb's law is only true for point charges whose size are very small compared to the distance between them. Or Coulomb's law जो है वो point charges के ऊपर applicable है जिनका size इतना छोटा है as compared to the distance between them. Now question number 13.9 है जी, what is meant by electric field and electric intensity? Electric field, the region around a charge in which it exerts an electrostatic force and another charge is known as electric field. किसी भी चार्ज के अराउंड ऐसा रीजन जहाँ पर वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट करे ऑन अनदर चार्ज, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम क्या लिखते हैं जी, इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। एफ क्या है फोर्स है और क्यू नॉट क्या है चार्ज है। क्वेश्चन 13.10, इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जो फोर्स किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि पॉइंट पर पड़ा है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मैथमेटिकली इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ फोर्स व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है, तो इसकी वजह से ही क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दैट इज लाइन विल ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है। If the test charge is free to move, it will always move in the direction of electric intensity. और अगर हमारे पास जो test charge है वो free है move करने के लिए तो वो क्या करेगा, in the direction of electric intensity move करेगा। Now question 13.11 है जी, how would you define potential difference between two points, define its unit? किसी भी दो points के दरमियान potential difference को कैसे define करते हैं और उसका unit क्या है उसको भी define करना है। The potential difference between two points in an electric field is the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to the other. जितना हमने work done किया है unit positive charge को एक point से दूसरे point तक लाने के लिए, वो क्या होगा potential difference होगा between these two points. और जो ऐसे unit है potential difference का वो क्या है joule और joule per coulomb और volt. V is equal to W by Q mathematical है। अब वोल्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं जी, इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग वन कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट विल बी वन वोल्ट। अगर हमने वन जूल वर्क डन किया है इन ब्रिंगिंग अ वन कूलम पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए, तो हमारे पास
पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। नाउ क्वेश्चन 13.12, शो दैट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस का हमने बताना है कि हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट। इफ डब्ल्यू इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट दिस पॉइंट वुड बी गिवन बाय वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। W यहाँ पे क्या है, वर्क डन है, विच इज इक्वल टू द एनर्जी सप्लाइड। इट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट एंड लाइक पोटेंशियल एनर्जी वी कैन मेजर ओनली द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर कैसे होता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जिसको रेफरेंस लेते हुए हम उसके रिस्पेक्ट से जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जैसे मेजर करते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। व्हेन अ चार्ज इज रिलीज्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल। इफ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज वी एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज वी बी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट दिस पॉइंट्स विल बी क्यू वी ए एंड क्यू वी बी रिस्पेक्टिव। अब जब हमने चार्ज को रिलीज किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्या करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा। हमने पॉइंट ए का जो पोटेंशियल उसको दे दिया है वी ए नाम दे दिया है और पॉइंट बी के लिए वी बी हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट दिस पॉइंट्स क्या होगी, क्यू बी ए एंड क्यू बी बी। इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग वन कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। नाउ क्वेश्चन 13.13 है जी, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, डिफाइन इट्स यूनिट। कैपेसिटेंस क्या होती है जी, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी टू स्टोर चार्ज वो क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है। कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज बिटवीन देम। कैपेसिटेंस क्या होती है जी, रेशियो होती है चार्ज की और वोल्टेज की, तो इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होती है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो होती है वो फैराड होती है, उसको हम डिफाइन करते हैं जी। If 1 coulomb of charge given to the plates of capacitor produces a potential difference of 1 volt between the plates of the capacitor, then its capacitance will be 1 farad. अगर हमने plates of capacitor को 1 coulomb charge दिया और उनके दरमियान जो 1 volt का potential difference create हो जाता है, तो plates of capacitor की जो capacitance होगी वो कितनी होगी, 1 farad होगी। Question number 13.14 है जी, derive a formula for the equivalent capacitance for series combination of a number of capacitors. हमने series combination के लिए capacitance equivalent का formula derive करना है। Each capacitor has same charge across it. क्योंकि series combination में क्या होता है, हमारे पास जो है वो current same रहता है, तो charge भी हमारे पास क्या रहेगा, same रहेगा। तो Q1, Q2, Q ये सब equal हो गए। The potential difference across each capacitor is different due to different values of capacitances. और जो potential difference होगा तमाम capacitor के ऊपर वो different होगा। वो क्यों different होगा, क्योंकि हमारे पास जो capacitances की value है वो different है। The voltage of battery has been divided among the various capacitors. जो हमारा पूरा voltage होगा वो various capacitors के अंदर divide हो जाएगा। Hence V is equal to V1 plus V2 plus V3 और जो equivalent होगा वो क्या होगा, तमाम voltages के sum के equal होगा। As V is equal to Q by C, so V is equal to Q over C1 plus Q over C2 plus Q over C3। अब यहाँ से हमने Q को common ले लिया तो हमारे पास क्या हो गया, 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3। अब Q को हम उधर ले गए तो V over Q हो गया, तो 1 over C1 C2 plus हमने इसकी जगह पे रखा और इज इक्वल टू 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 किया।
ये कहाँ से है? 1/c इक्विवेलेंट c क्या होता है? q/v होता है, तो हमारे पास हेवी ओवर क्यू होगा 1/c इक्विवेलेंट। नाउ ये वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटेंस है, तो उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए ये वाली इक्वेशन यूज होगी। नाउ क्वेश्चन 13.15 है, इन लिस्ट सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर के यूजेस बताने हैं। दे आर यूज फॉर ट्यूनिंग ट्रांसमीटर रिसीवर एंड ट्रांजिस्टर वीडियोस। हम इनको ट्रांसमीटर रिसीवर या ट्रांजिस्टर की ट्यूनिंग के लिए यूज करते हैं। दे आर यूज इन टेबल फैन, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, फैन मोटर्स, इन एयर कंडीशनर, कूलर मोटर्स, वॉशिंग मशीन एंड मैनी अदर अप्लायंसेस फॉर देयर स्मूथ वर्किंग। और हम कैपेसिटर्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? टेबल फैन, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, एयर कंडीशनर के फैंस के अंदर, कूलर्स, मोटर, वॉशिंग मशीन और बहुत सी ऐसी अप्लायंसेस हैं जिनके लिए हमें स्मूथ वर्किंग चाहिए होती है, वहाँ पे हम कैपेसिटर यूज करते हैं। कैपेसिटर आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड इन कंप्यूटर, और कैपेसिटर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और कंप्यूटर की चिप्स वगैरह में यूज करते हैं। कैपेसिटर्स कैन बी यूज टू सेपरेट हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, और कैपेसिटर की मदद से हम हाई और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को आपस में सेपरेट कर सकते हैं। कैपेसिटर आर यूज इन द रेजोनेंट सर्किट दैट ट्यून रेडियोस टू फ्रीक्वेंसीज, और ये रेडियोस की ट्यूनिंग के लिए भी यूज होते हैं। नाउ क्वेश्चन 13.16 है, डिस्कस वन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू पेंट न्यू कार्स। जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं कार को पेंट करने के लिए। द बॉडी ऑफ कार इज चार्ज एंड देन द पेंट इज गिवन। बॉडी ऑफ कार को क्या करते हैं? चार्ज कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर पेंट को डालते हैं। ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्जन चार्ज पार्टिकल्स आर पुश्ड आउट ऑफ नोजल एंड फॉर्म अ फाइन मिस्ट व्हिच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज कार एंड आर इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। और म्यूचुअल रिपल्जन की वजह से क्या होगा? जो चार्ज पार्टिकल हैं वो नोजल से बाहर आएंगे और वो फाइन मिस्ट की फॉर्म में जाकर जो है वो कार की जो बॉडी के साथ है जो कि अपोजिटली चार्ज है वहाँ पे जाके स्टिक हो जाएंगे और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे ऑन द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट। द चार्ज पेंट पार्टिकल स्टिक टू द बॉडी जस्ट लाइक अ चार्ज बैलून स्टिक टू अ वॉल, और ये इस तरह जाकर गाड़ी की बॉडी के साथ चिपक जाएंगे जैसे कि किसी चार्ज बैलून को हम वॉल के साथ स्टिक कर देते हैं। वंस द पेंट ड्राइज इट्स स्टिक मच बेटर टू द कार एंड इज स्मूथर, और जब ये पेंट सूख जाता है तो ये ज़्यादा अच्छा कार के साथ स्टिक हो जाता है और ये स्मूथर हो जाता है बिकॉज इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इज वेरी इफेक्टिव इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट वे ऑफ पेंटिंग ऑटोमोबाइल ऑन लार्ज स्केल, और ये इफेक्टिव भी इकोनॉमिकल भी है और एफिशिएंट भी है पेंटिंग ऑटोमोबाइल, जब हमने लार्ज स्केल के ऊपर ऑटोमोबाइल को पेंट करना हो उसके लिए ये मेथड एप्लीकेबल है। दूसरी एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर का जो दूसरा नाम है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर हाईली एफिशिएंट फिल्ट्रेशन डिवाइसेस दैट यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन टू रिमूव फाइन पार्टिकुलेट मैटर सच एज डस्ट एंड सिगरेट स्मोक फ्रॉम द एयर, और ये डस्ट या सिगरेट स्मोक को एयर से ख़त्म करने के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर आयोनाइज और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स एंड इनकमिंग एयर इज ड्रॉन ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक सेल, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर क्या करता है? आयोनाइज कर देता है पार्टिकल को एज इनकमिंग एयर इज ड्रॉन ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक सेल। जब हम इलेक्ट्रॉनिक सेल के ऊपर जो है एयर को स्ट्राइक करते हैं तो उससे क्या होता है? जो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। फिर क्या होता है? जो चार्ज पार्टिकल आर अट्रैक्टेड टू एंड ट्रैप्ड बाय सीरीज ऑफ लाइट कलेक्टर प्लेट्स दैट आर अपोजिटली चार्ज विद द पार्टिकल लिटरली स्टिकिंग टू द कलेक्शन प्लेट अंटिल दे आर मैनुअली रिमूव, और जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स प्लेट, और जब तक ये हम मैनुअली इनको रिमूव ना कर दें तो ये स्टिक रहते हैं विद द प्लेट्स। नाउ क्वेश्चन 13.17 है जी, व्हाट आर हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द बॉडी कॉजिंग अ पर्सन एवरीथिंग फ्रॉम एन अनकंफर्टेबल जैप्ड फॉल बर्न्स और स्टॉपिंग द हार्ट।
जब करंट फ्लो करता है बॉडी से तो हमें क्या लग सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, और उससे क्या होता है हम जो है वो एकदम से झटके से जमीन पे गिर सकते हैं, जल सकते हैं, या हमारा जो दिल है वो स्टॉप हो सकता है। फायर्स और एक्सप्लोजन ड्यू टू इग्निशन ऑफ फ्लेमेबल और एक्सप्लोसिव मिक्सचर, और आग लग सकती है जब हम किसी फ्लेमेबल या एक्सप्लोसिव मिक्सचर को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के करीब बर्न करेंगे। प्रोडक्शन डिस्टर्बेंसेस इन द प्रोसेसिंग ऑफ पेपर, प्लास्टिक, कंपोजिट्स, पाउडर, ग्रेन्स एंड लिक्विड्स, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से हमारी जो है वो प्रोडक्शन में डिस्टर्बेंस आ सकती है, जैसा कि पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कंपोजिट हो गया, पाउडर हो गया, ग्रेन्स हो गया, या लिक्विड हो गया। डैमेज टू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट्स फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। डैमेज टू मैकेनिकल कंपोनेंट्स सच एज बियरिंग ड्यू टू स्पार्क किंग थ्रू द ऑयल फैंस ऑन बियरिंग सर्फेसेस। नाउ दैट्स ऑल अबाउट रिव्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियोज टू अदर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द सब्सक्रिप्शन इन ऑर्डर टू गेट अ नोटिफिकेशन फॉर ऑल द वीडियोज विच विल बी अपलोडेड इन फ्यूचर। Inshallah, in our next video, we will discuss chapter number 13, electrostatic conceptual questions. Till that time, take care of Allah Hafiz.